हेलो चिल्ड्रन, हाउ आर यू। तो बच्चों, आज का आपका जो चैप्टर है, चैप्टर फिफ्थ, वो है आपका फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। ओके, तो सबसे पहले मैं आपको ये बता देती हूँ चैप्टर पढ़ाने से पहले कि आपको ये चैप्टर सिर्फ समझना है। ओके, ये जो मैं आपको ये टॉपिक्स बता रही हूँ, इसे आप नोटबुक में मत लिखना, ये सिर्फ आपको चैप्टर समझाने के लिए है। ओके, आपको अपनी नोटबुक में सिर्फ जो क्वेश्चन आंसर्स मैं इसके बाद मैं आपको बताऊँगी, आपको वो नोट करना है। ये आपको सिर्फ चैप्टर समझने के लिए कि आपके चैप्टर में फिजिकल चेंजेस क्या होते हैं, केमिकल चेंजेस क्या होते हैं, और उससे रिलेटेड जो और टॉपिक है वो आपको समझते हैं। ओके, तो बच्चों, आप सबसे पहले आपका टॉपिक है टाइप ऑफ चेंजेस, जो जो हमारे जो एनवायरनमेंट में जो चेंज होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं। तो एक होता है फिजिकल, एक होता है केमिकल चेंज। ओके, तो अब जो आपका फिजिकल और जो केमिकल चेंज है, इनमें आपके डिफरेंस हैं इसी चैप्टर में जो मैं आपको बता रही हूँ, इसमें क्या क्या पढ़ेंगे आप। इसमें आप टाइप ऑफ चेंजेस पढ़ेंगे, फिजिकल एंड केमिकल जो है आपके चेंजेस, डिफरेंस बिटवीन पढ़ेंगे इन दोनों में चेंजेस में, फिजिकल और केमिकल चेंजेस में। एग्जांपल्स बताएंगे आपको इसमें केमिकल और फिजिकल चेंजेस में। तो एग्जांपल इसमें कॉफर सल्फेट रिएक्शन का है, क्रिस्टलाइजेशन का है, और रस्टिंग का है, जो आपके सिलेबस में है ओनली। ओके, और प्रोटेक्शन ऑफ रस्टिंग। तो चलिए चैप्टर स्टार्ट करते हैं आपका। तो पहले है आपका टाइप ऑफ चेंजेस। तो आपके जो चेंजेस होते हैं एनवायरनमेंट में, वो आपके दो टाइप के चेंज होते हैं, एक होता है फिजिकल, एक होता है केमिकल चेंज। ओके, तो पहला आपका फिजिकल चेंज है। तो ये आपके जो फिजिकल, ठीक है, ये आपके नाम से ही आपका पहचान पा रहे होंगे आप उसको कि फिजिकल चेंज, मतलब जो फिजिकली जो चेंजेस हो रहे हैं आपके, ठीक है। फिजिकली का मतलब ये है, माना बात कोई बच्चा है, ठीक है, तो वो क्या है फिजिकली, कभी तो वो हेल्थी हो जाता है, कभी वो कमज़ोर से हो जाता है। तो ये फिजिकली चेंजेस है, जो चेंजेस आप देख पा रहे हो। ओके, तो वो फिजिकली चेंजेस हैं। तो फिजिकली चेंज होते हैं प्रॉपर्टीज सच एज शेप, साइज, कलर एंड स्टेट ऑफ अ सब्सटेंस और कॉल्ड इट्स फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो प्रॉपर्टीज जैसे शेप में चेंज हो जाना, ओके, साइज चेंज हो जाना, कलर चेंज हो जाना, ओके, और स्टेट चेंज होना किसी सब्सटेंस की, तो वो आपका क्या है फिजिकली प्रॉपर्टीज होती हैं, ठीक है। तो जैसे शेप आपका, मैंने आपको बता ही दिया है कि कोई बच्चा पहले हेल्थी था, फिर उसके बाद वो कमज़ोर हो गया, तो ये नहीं है कि हमेशा वो एक ही फॉर्म में रहेगा। ओके, जैसे बलून है, बलून आपका क्या है, आप उसको फुलाते हो, ठीक है, और उसके बाद क्या होता है, जब उसकी एयर उससे निकल जाती है तो फिर वो क्या होता है, फिर उसी फॉर्म में हो जाता है। तो ये फिजिकली चेंज है, मतलब ये चेंजेस ऐसे होते हैं जिन्हें आप रिपीट भी कर सकते हो, मतलब एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में उसे चेंजेस कर सकते हो। ओके, अब है आपका, तो फिजिकल चेंजेस था आपका। दूसरा पॉइंट है इसका, अ फिजिकल चेंज इन विच अ सब्सटेंस अंडरगोज अ चेंज इन इट्स फिजिकल प्रॉपर्टीज इज कॉल्ड अ फिजिकल चेंज। तो फिजिकल चेंज वो चेंज है जिसमें सब्सटेंस में जो चेंजेस होता है वो सिर्फ उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज में चेंज हो रहा है, ठीक है, मतलब उसे फिजिकली चेंज हो रहा है वो। ओके, उसके अपने चाहे वो साइज में हो, कलर में हो, शेप में हो, किसी उसमें भी। अब आपका दूसरा पॉइंट है आपका, और जो दूसरा टॉपिक है आपका वो है आपका केमिकल चेंज। केमिकल चेंज वो चेंज होता है, इसी से समझ लीजिए डेफिनेशन, अ चेंज इन विच वन और मोर न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म इज कॉल्ड अ केमिकल चेंज। वो चेंज जिसमें एक या एक से ज़्यादा सब्सटेंस बनते हैं, तो वो सब वो चेंज आपका क्या कहलाता है, आपका केमिकल चेंज। अ केमिकल चेंज इन विच अ सब्सटेंस अंडरगो अ चेंज इन इट्स केमिकल प्रॉपर्टीज इज कॉल्ड अ केमिकल चेंज। तो केमिकल चेंज में क्या होता है, जो सब्सटेंस, जो नया सब्सटेंस जो बन रहा है, उसकी उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी उसमें चेंज आती है। माना बात, मैं एग्जांपल आपको बताती हूँ, दूध है, दूध से हम क्या बनाते हैं, दही बनाते हैं, ठीक है। तो क्या है, दूध आपका कन्वर्ट हो गया है आपका कर्ड में, तो वो क्या है, वो आपका एक केमिकल चेंज है, ठीक है, आप रिपीट नहीं कर सकते हो, आप कर्ड से फिर दोबारा से दूध नहीं बना सकते हैं। ओके, तो अब आप देख लीजिए, आपकी जो दूध की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो अलग हैं, और जो मतलब केमिकल प्रॉपर्टी हैं जो वो उसकी अलग है, और जो आपकी दही की जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो क्या है, बिल्कुल अलग है। फिजिकल चेंज में ऐसा नहीं था, फिजिकल चेंज में क्या था, आपका आइस था, आइस से क्या बना, वाटर बना, फिर वाटर से गैस बना, लेकिन जो उनकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं तीनों की, तीनों की क्या है, सेम है, अलग नहीं हुई, ठीक हो गया। तो ये है केमिकल चेंज में क्या हुआ, दूध की आपकी केमिकल सॉरी जो वो है केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो अलग हैं, और आपकी जो दही की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो अलग हैं, पूरा चेंज है वो। ओके, तो इनमें एक डिफरेंस ये भी है कि फिजिकल चेंजेस में आप जो वो मतलब जो आपका जैसा कोई नया सब्सटेंस जो बन रहा है, तो उसको आप फिर से पुराने सब्सटेंस में क्या कर सकते हो, चेंज कर सकते हो, लेकिन केमिकल चेंज में आप ऐसा नहीं कर सकते। केमिकल चेंजेस में जो चेंज हो गया उसको फिर से रिपीट नहीं किया जा सकता। ओके,
अब है आपका डिफरेंस बिटवीन फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। तो पहले फिजिकल चेंजेस में है, द केमिकल कंपोजिशन ऑफ सब्सटेंस डज नॉट चेंज। जो केमिकल सब्सटेंस कंपोजिशन होता है सब्सटेंस का वो चेंज नहीं होता है, लेकिन केमिकल चेंज में क्या हो जाता है, जो केमिकल कंपोजिशन होता है सब्सटेंस का वो चेंज हो जाता है। मोस्ट चेंजेस आर रिवर्सिबल। तो फिजिकल चेंज है उसमें जो चेंजेस जो होते हैं उनको आप रिपीट कर सकते हो, दोबारा से वही फॉर्म ओल्ड वाली फॉर्म आ सकती है, लेकिन जो केमिकल चेंज होता है उसमें इरिवर्सिबल होता है, मतलब आप उसको चेंज नहीं कर सकते। नो न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म्ड। फिजिकल चेंज में कोई नया सब्सटेंस नहीं बनता है, ओके, लेकिन जो केमिकल चेंज है उसमें आपका क्या कर रहा है, न्यू सब्सटेंस बन रहा है। फॉर एग्जांपल देखिए, आइस कन्वर्ट हुआ आपका वाटर में, ठीक है, जब वो मेल्ट हुई और वाटर, फिर अगर जब उसको हीट किया गया तो वो क्या है, स्टीम में चेंज हो गया। और ये आपका केमिकल चेंज में पेपर ऐश में चेंज हो गया, मतलब आपने पेपर को जलाया, ठीक है, उसके बाद उसमें किस में चेंज हो जाता है, ऐश में, राख बन जाती है उसकी। तो आप उस राख से फिर से दोबारा पेपर नहीं बना सकते हैं, वो पूरा चेंज हो गया। अब उसकी दोनों की प्रॉपर्टीज अलग है, पेपर की अलग है, ऐश की अलग है, ओके, एशेस, सॉरी। अब एग्जाम्पल ऑफ केमिकल चेंजेस, एग्जाम्पल्स जो हैं आपकी, जो आपकी बुक में है, ये एग्जाम्पल जो मैं आपको इसमें बता रही हूँ आपकी बुक में है, ओके, तो ये आप समझ लीजिए। तो बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन, तो मैग्नीशियम रिबन बेटा आपका ये केमिस्ट्री लैब में जब आप जाएंगे, आपको जब प्रैक्टिकल कराएंगे तो आपको उसमें दिखाया जाएगा। आप इसको जब ये बर्न करते हो, ठीक है, तो ये एक वाइट कलर की एक फ्लेम के साथ जलता है, ठीक है, और जब ये जलता है तो उसके बाद जैसे जलता रहता है ना, तो ये अपने पीछे क्या करता है, एक पाउडरी ऐश छोड़ता रहता है। आप उसमें क्या बोलते हैं, दीपावली में आप लोग पेंसिल वाली वो जलाते हैं, एक फूलझड़ी आती है, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, वो जलता रहता है, पीछे की साइड वो अपना ऐश छोड़ता हुआ चला जाता है। तो ये ऐसा ही होता है इसमें, मैग्नीशियम रिबन जो होता है आपका, ठीक है, तो मैग्नीशियम रिबन जब जलता है तो एक ब्रिलियंट वाइट जो फ्लेम से जलता है, मतलब एक पाउडरी ऐश पीछे भी क्या करता रहेगा, वो छोड़ता रहेगा जब वो पूरा जल जाएगा तो, ओके। तो इसमें ये इसकी रिएक्शन बता रखी है, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, ओके, गिव्स मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो वो जो पाउडरी वो छूटा तो आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड में वो क्या होता है, वो चेंज हो जाता है। अब है दूसरा एग्जांपल है इसका, डिजॉल्विंग मैग्नीशियम ऐश इन वाटर, मतलब मैग्नीशियम ऐश जो है उसको वाटर में डिजॉल्व करना, ये भी आपका क्या है, आपका केमिकल चेंज है। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड को जो आपने वाटर में चेंज किया था वो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड में वो क्या हो गया, चेंज हो गया। एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप कभी भी जो वैक्स होती है, जो आपकी कैंडल्स होती हैं, उसका जो वो मेल्ट होती हैं, तो उसको कभी भी आप ये मत बोलना कि मैम वो फिजिकल चेंज है, वो फिजिकल और केमिकल चेंज दोनों है, ओके, ये आपका वो है। तो ये देख लीजिए आप, तो अब है आप ये दिखा रहे हैं कॉपर सल्फेट की जो केमिकल रिएक्शन है, कि जो कॉपर सल्फेट जो होता है सॉल्यूशन है उसको रिएक्ट किया जा रहा है, उसमें आयरन जो है, वो आयरन यहाँ पे आपको ब्लेड दिखाई गई है, वो उसमें डाली जा रही है कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में, ठीक हो गया। तो कलर जो होता है सॉल्यूशन का वो क्या होता है, चेंज होता है किस चीज़ से, बता दूँ आपको, हाँ, तो जो कॉपर सल्फेट को क्या किया जा रहा है, उसमें आयरन डाली जाती है, तो वो जो कलर होता है सॉल्यूशन का वो चेंज हो जाता है ब्लू से ग्रीन में। मतलब जो कॉपर सल्फेट का जो कलर था वो पहले ब्लू था, लेकिन जब आपने उसमें ये आयरन की जो ये आयरन ये यहाँ पे ब्लेड को लिया गया है, ये लोहे की होती है, ठीक है, तो ये उन्होंने उसमें डिप कर दी उस आयरन ये कॉपर सॉल्यूशन सल्फेट में, ठीक है, तो कॉपर सल्फेट पहले ब्लू कलर का था, तो ये क्या हो गया बाद में, ग्रीन कलर का हो गया। कैसे, ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ आयरन सल्फेट। तो अब वो क्या हो गया, वो कॉपर सल्फेट से किस में चेंज हो गया है, वो आयरन सल्फेट में चेंज हो गया। कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, तो अब ये रिएक्शन के थ्रू ने बता रखा है, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन ब्लू था प्लस आयरन, ठीक है, गिव्स आयरन सल्फेट सॉल्यूशन, तो ग्रीन कलर में चेंज हो गया, प्लस हमें क्या हुआ, कॉपर जो है वो मिला है, ठीक है, ब्राउन डिपोजिट। अब है आपका अगला टॉपिक है आपका क्रिस्टलाइजेशन। क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है, तो क्रिस्टलाइजेशन इज an एग्जाम्पल ऑफ फिजिकल चेंज, द प्रोसेस ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इज यूज फॉर प्योरीफिकेशन ऑफ सब्सटेंसेज। क्रिस्टलाइजेशन में बेटा जो चीज़ें होती हैं वो क्रिस्टल फॉर्म में चेंज हो जाती हैं, और आपको पता है क्रिस्टल को आप फिर से उसी फॉर्म में दोबारा से ला सकते हैं। इसका एग्जाम्पल मैं आपको एक देती हूँ, इसमें नहीं बता रखा है इन्होंने, कि मनाबाद आप एक सॉल्यूशन तैयार करते हैं वाटर का और चीनी का, ठीक है, आपने एक उसका एक सॉल्यूशन बनाया, तो अब आपको उसमें से क्या करना है, आपको चीनी अलग करनी है, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, वो जो
वाटर है जो सॉल्यूशन था चीनी और उसका पानी का, ठीक है, आप उसको क्या करेंगे, अब उसे गर्म करेंगे और उसे तब तक गर्म करते रहेंगे जब वो जब तक वो पूरा का पूरा पानी क्या ना हो जाए, आपका वेपर ना बन जाए। जब वो पूरा पानी आपका उड़ जाएगा तो आप बाद में देखेंगे कि जो अब आपका जो वो था आपका जो आपने उसमें पॉट लिया होगा जिसमें आप उसको गर्म कर रहे थे उसमें आप नीचे नीचे क्या होगी, क्रिस्टल क्रिस्टल से आपको दिखेंगे उसमें, ठीक है। तो वो क्रिस्टल्स क्या हैं, वो आपकी चीनी है जो आपका बच गया था, ठीक है, जो उसमें मिक्स थी। वाटर तो आपका पूरा एवेपोरेट हो गया लेकिन जो वो शुगर थी वो एवेपोरेट नहीं हुई, ठीक हो गया, तो वो उसमें बच जाती है, तो वो क्रिस्टलाइजेशन ही है, वो क्रिस्टल्स हैं उसके, ठीक है। तो ये है आपका अगला है आपका रस्टिंग। रस्टिंग क्या होता है, रस्टिंग का मतलब है किसी चीज़ को का ख़राब हो जाना, ओके। तो रस्टिंग कैसी भी हो सकती है, रस्टिंग कपड़ों में भी हो सकती है, रस्टिंग लकड़ी में हो सकती है, रस्टिंग आपकी लोहे में हो सकती है, हमारे खाने की चीज़ों में हो सकती है, किसी चीज़ में भी हो सकती है, ओके। रस्टिंग इज़ एन एग्जांपल ऑफ अ केमिकल चेंज, रस्टिंग एक केमिकल चेंज का एग्जांपल है। रस्टिंग माना बात की मैं आपको आयरन का बताती हूँ, जैसे आपका लोहे के जो वो होते हैं बर्तन होते हैं, आप क्या है अगर आप उन्हें मतलब एयर में छोड़ दोगे, ठीक है, तो वो क्या होते हैं, एयर प्लस मॉइस्चर दोनों को दोनों वो क्या करते हैं, उसमें एक रेड कलर का वो आप देखोगे कि वो ब्राउन ब्राउन और रेड रेड सा वो हो जाता है, क्या होता है उसमें, आप लोग उसे बोलते हैं कि इसमें जंक लग गया, तो वही उसका रस्ट है, ओके, कि वो क्या होने लग गया, ख़राब होने लग गया है, तो वो लोहे को ख़राब कर रहा है, ओके। हमारे खाने की चीज़ों में भी रस्ट हो जाता है, ओके। तो यही है, रस्टिंग इज़ अ एग्जाम्पल ऑफ अ केमिकल चेंजेस। तो यहाँ पे आयरन प्लस ऑक्सीजन प्लस वाटर, तो वो रस्ट बन गया है, तो वो बन गया, तो जो रस्ट वो रेड कलर का वो दिखता है वो आपको, वो आपका क्या है, Fe2O3। रस्टिंग वैसे आपका जंक लगना ही बोलते हैं उसे, जंक लग गई है मतलब उसमें चीज़ों में, ओके। तो यही है आपका, तो रस्टिंग आपका कैसा हो रहा है, आयरन में ऑक्सीजन प्लस वाटर में, सॉरी जो मैंने आपको बताया वो कोरोजन का एग्जाम्पल था, रस्टिंग आपका जंक लगना होता है, कि जंक लगना, ओके। कोरोजन में आपका मतलब, कोरोजन आपका खानों में भी हो सकता है, आपके सिक्कों में हो सकता है, किसी में भी, कि कोरोड हो गया नेचर में, लेकिन रस्ट लग, लेकिन आपका जंक है, ओके। तो आयरन प्लस ऑक्सीजन, ठीक है, जो आपका हमारे जो एटमॉस्फेयर में जो ऑक्सीजन है, ठीक है, वो हो गई, और साथ में वाटर, तो ये तीनों चीज़ें क्या कर रही हैं, आपके आयरन को ख़राब कर रही हैं, और वो क्या बन रहा है आपका, आयरन ऑक्साइड, ओके। तो प्रेजेंस ऑफ बोथ एयर एंड वाटर इज़ एसेंशियल फॉर रस्टिंग टू टेक प्लेस। आपका एयर और वाटर अगर वहाँ पे है तो इससे क्या होगी, आपकी रस्टिंग होगी। इसीलिए क्या करते हैं, जो लोहे के जो प्रोडक्ट होते हैं उनको क्या किया जाता है, उनको पेंट किया जाता है, किसी चीज़ को, कुछ को पेंट किया जा सकता है, किसी को कोटिंग दी जाती है किसी अदर मेटल की जो उसके ऊपर कोट किया जाता है उसे, ओके। रस्टिंग कैन बी प्रिवेंटेड बाई कटिंग द कॉन्टैक्ट ऑफ आइदर वाटर, एयर और वाटर और बोथ विद आयरन। रस्टिंग को कैसे बचाया जा सकता है, अगर उसको क्या किया जा सकता है, उसे मतलब उसे हवा और पानी दोनों से अगर उसको उनके कॉन्टैक्ट में अगर वो ना आए तो वो उससे क्या हो सकती है, रस्टिंग को बचाया जा सकता है, ओके। तो कैसे प्रोटेक्ट करते हैं आप रस्टिंग से अपने वो जो लोहे के जो बर्तन हैं उनको, द सेम कैन बी डन बाय ग्रीसिंग ऑयलिंग पेंटिंग एंड गैल्वेनाइजेशन आयरन, ठीक है। तो इनको कैसे क्या है, तो भी ग्रीस लगाना, आपकी जो साइकिल होती है साइकिल की चेन आप देखते होंगे उसमें आप क्या लगते हो, ग्रीस लगाते हो बार बार, ठीक है। बरसात में अगर आप अपनी साइकिल कभी बाहर छोड़ दोगे तो उसमें रेड रेड कलर का उसमें आयरन ऑक्साइड फिर से बन जाएगा और वो क्या होगी, चलेगी नहीं, तो फिर आप क्या करते हो उसमें ग्रीस लगा देते हो, तो उससे क्या होता है उसमें रस्ट नहीं जम पाता है, ओके। या आप क्या करते हो, ऑयल लगा देते हो, तेल लगा देते हो, उससे भी रस्ट नहीं आता है, पेंट कर देते हो, या गैल्वेनाइजेशन, गैल्वेनाइजेशन एक प्रोसेस होती है जिसमें क्या किया जाता है, जो आयरन की जो प्रोडक्ट होते हैं उन्हें जिंक में, जो मॉल्टन जिंक होता है उसमें क्या होता है, उसमें डिप किया जाता है या उसकी लेयर चढ़ाई जाती है, जो आपके साइकिल के जो हैंडल होते हैं उसमें आपके जिंक की ही जो होती है वो लेयर होती है चढ़ी हुई, ओके। जिससे क्या होती है, वो हैंडल्स जो होते हैं वो आपके क्या नहीं होते, ख़राब नहीं होते हैं, ओके। तो ये है द प्रोसेस ऑफ डिपोजिटिंग अ लेयर ऑफ जिंक ऑन आयरन। तो जो ये प्रोसेस है जिसमें क्या हो रही है, आपकी जिंक की लेयर चढ़ाई जा रही है किसके ऊपर, आयरन के ऊपर, तो ये आपके कहलाती है गैल्वेनाइजेशन, ठीक है। रस्टिंग कैन आल्सो बी चेक बाय अलाइंग आयरन विद अदर मेटल एलिमेंट्स, ठीक है। रस्टिंग को आप ऐसे भी बचा सकते हो कि आप क्या कर सकते हो, आयरन के साथ किसी अदर एलिमेंट को अगर मिक्स कर दी जाए तो उससे भी क्या हो सकता है, आपकी रस्टिंग बच सकती है। स्टेनलेस स्टील इज़ एन एलॉय ऑफ आयरन विद कार्बन क्रोमियम निकल एंड मैंगनीज। तो स्टेनलेस स्टील जो होते हैं, जो आयरन के अलॉय हैं, जैसे आप कार्बन के साथ से मिक्स कर लीजिए, क्रोमियम हो गया, निकल हो गया, मैंगनीज हो गया, तो ये सारे के सारे क्या कर रहे हैं आपके, ये स्टेनलेस स्टील में क्या करते हैं आपके बनने में, वो आपके क्या कर रहे हैं,
भाग ले रहे हैं। ओके तो बच्चों, अब ये तो आपका जो चैप्टर था वो ख़त्म हो गया। आपको ये सब क्या था, आपको ये समझना था। ओके इसके बाद मैं आपको क्वेश्चन आंसर्स में है, मैं आपको उनकी आपको फ़ोटो भेज देती हूँ। और ये चैप्टर आपने समझ लिया है, इसके बाद आप लोग अपना चैप्टर वो करिए, क्वेश्चन आंसर करिए, ठीक है। और आप जल्दी से मुझे दिखा दीजिए, कल तक ये आपके क्वेश्चन आंसर्स पूरे हो जाने चाहिए इस चैप्टर पर। ओके तो ये चैप्टर भी आपका क्या हो गया, फिनिश हो गया। चलिए ओके, थैंक यू सो मच।